तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज पीके बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो एंड अनदर ओनरशिप रिव्यू ऑफ अ कार जो आप देख सकते हो पीछे, और थंबनेल देख के आप वैसे ही समझ गए होंगे किस गाड़ी का जो है ओनरशिप रिव्यू देखने जा रहे हैं। तो गाड़ी का ओनर मेरे साथ हैं, आज डिटेल से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या फीचर्स हैं, क्यों ली, क्यों लेनी चाहिए, किसे लेनी चाहिए, क्या रीजंस थे जो लेने, तो फिर बात करते हैं और वीडियो करते हैं। तो भाई वीडियो में मेरे सामने जो खड़े हैं और जो साथ में हैं, ये हैं विशाल यादव। इनके पास, इन्होंने अभी रिसेंटली ये गाड़ी ली है ऑल्ट्रोज, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे, इन्होंने इस गाड़ी को लेने से पहले और कौन सी गाड़ी कंसीडर की थी, और इसको लेने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी स्वागत करते हैं अपने वीडियो में विशाल यादव का। हेलो विशाल। आई एम गुड। सो विशाल, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्रांड न्यू कार, और मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी लगी, मैंने ड्राइव किया। मेरा एक ड्राइविंग वीडियो आपने देखा होगा, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने ड्राइविंग प्लेजर के बारे में बात करी है। आज विशाल से जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार, इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी को लेके, क्या क्या फीचर्स इन्हें पसंद आए, क्या ना पसंद आया, उस बारे में। विशाल जी, ये बताओ इस गाड़ी को लेने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था जो आपने ये कंसीडर करी। रीजन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट में मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन में गाड़ियाँ अवेलेबल है, बलेनो भी अवेलेबल हैचबैक में तो बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, पर लास्ट में घूम फिर के, मतलब ऑडियंस जानना चाहती है ये गाड़ी क्यों ली। Baleno, so one drawback is that the body, I am not liking the body, and the best part of Tata is they are giving 5-star rating and the body is very strong. So yes, I like about a Tata this thing very much. That's why I love Tata. There is no much difference between Tata and Baleno. They give better mileage. It is not giving that much mileage, but yes, the comfort level is awesome. So buying this car, I am very happy. The driving experience is very good. अच्छा, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाटा जान ही इसी वजह से जाती है कि इनके जो बॉडी शेल होती है, इनका जो मटेरियल होता है, बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं। और 5-star रेटेड कार है, ऑडियंस आपके लिए बता दूँ, और 5-star लेके आई है सेफ्टी फीचर में, एन कैप में। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ऑन रोड कितने की पड़ी है आपको? ऑन रोड इट वाज प्रीवियसली आई वाज थिंकिंग अबाउट XM प्लस जो मेरे को पड़ रही थी 8.5 समथिंग, 8.5 की मेरे को पड़ रही थी। देन सम फीचर्स आ गए इन दिस मॉडल XT में, जिसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, प्लस कीलेस एंट्री मिल जाती है, एंड फॉग लैंप्स मिल जाते हैं इसमें, एंड क्रूज मोड बेस्ट मोड है। आई एम लाइक दिस very impressive, the cruise mode on highways, you will enjoy the cruise mode. तो ये वेरिएंट कौन सा है, मैं सॉरी पूछ, XT, दैट्स राइट। अच्छा, XT मॉडल है आपका, और आपको लिए हुए कितने दिन हो गए इसे? जस्ट अराउंड 2 months. दो महीने का एक्सपीरियंस अगर मैं जानना चाहूँ आपसे मोटा मोटा, कैसा रहा 2 महीने के अंदर? इट वॉज ऑसम, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द स्पीड, आई लाइक स्पीड, सो यस आई ड्राइव इट एट मैक्सिमम ऑफ 150, एंड द कार वॉज वेरी स्टेबल, आई वॉज रियली लाइकिंग इट। मतलब मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि ये 150 पे चल रही है। व्हेन आई ड्राइव मारुति, तो आफ्टर 100 मेरे को फील होता है कि हाँ गाड़ी स्पीड में है, बट हियर मेरे को वो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एंड ऑफकोर्स द माइलेज वहाँ पर थोड़ा सा लैग करता है, बट व्हेन यू आर ड्राइविंग टाटा तो इट्स ओके, जब आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है तो इट्स फाइन। सर्विस एक्सपीरियंस यानी कि आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा के साथ, जब आप लेने गए थे गाड़ी, उन्होंने किस तरीके से वेलकम किया, वो जानना चाहूँगा मैं। सो इट वॉज लाइक इट वॉज एन एक्सेप्शन थिंग, बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, आई वॉज स्टक इन समवेयर। सो मैं वहाँ पर पहुँचा था अराउंड 8, जो शोरूम क्लोज का टाइम हो जाता है वो होता है, जो नॉर्मल टाइमिंग्स होते हैं 6-7 होते हैं, बट दे वेटेड फॉर मी। एंड जो डिलीवरी टाइम पीरियड था वो 1 आवर, उन्होंने मेरे को 1 आवर में डिलीवरी दे दी, एंड कुछ इशूज़ आ रहे थे फ्रॉम माई साइड, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, बट दे वर वेरी लाइक काफ़ी उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, एंड इट वॉज़ वेरी ईजी। बुक कराने के बाद कितने दिनों में मिली आपको? विद इन 4 डेज, मतलब 4 डेज के अंदर आपको इजीली मिल गई थी।
और इसकी सर्विस इंटरवल कितना है, मतलब मेरे ख्याल से 1000 या 2000 होता है लेने के बाद, वो आपने सर्विस कराया फर्स्ट सर्विस उसका? फर्स्ट सर्विस वाज विद इन 1000 टू 1500, तो मैंने 1300 समथिंग पे फर्स्ट सर्विस कराई। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं जानना चाहता हूँ। इट वाज ग्रेट, आई जस्ट वेंट देयर, मैंने उनको बोला, एक अलाइन पर्सन मेरे को दे दिया गया एंड मैंने उसको जो भी था अपने इश्यूज बताया, वैसे कुछ ऐसा कुछ इश्यूज थे नहीं इसमें, बट जो भी मुझे लगा था उन्होंने चेक किया एंड मुझे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने सब कुछ अपने आप देखा। तो कितने साल रखने का आपका प्लान है इस गाड़ी? सो यस, अभी तो लाइक ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि इसको मैं सेल भी करना चाहूँगा, एज लॉन्ग एज आई कैन ड्राइव दिस कार आई विल बी हैप्पी। अब विशाल जी, क्योंकि आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, मुझे इसका, आप मेरी ऑडियंस को कुछ फीचर्स जो आपको बहुत पसंद आए वो शेयर करोगे आप मेरे साथ? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्रूज मोड दैट आई टोल्ड यू गाइस। क्रूज मोड, व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज, इट इज वेरी हेल्पफुल, लाइक यू कैन एंजॉय योर टाइम, यू कैन एंजॉय योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एंड इफ यू लाइक इफ यू वांट टू हैव समथिंग ऑफ कोर्स यू कैन हैव दैट। एंड द सेकंड थिंग, दिस कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स, when you will turn, when you will take right turns, then this right fog lamp will focus there on the right side, and if you will turn on left side, then it will focus on the left side. Second is cornering stability. So when you are making a turn, so you will not feel like ki gaadi aapko aise push kar rahi hai, aisa aapko feel nahi hoga, you will be stable at your place and gaadi easily turn ho jati hai. So that thing I am really liking about this. और एवरेज कितनी मिल रही है आपको? एवरेज 16-17, दैट इज फाइन। एंड जो स्पेस है गाड़ी में, लाइक ग्लो बॉक्स स्पेस है एंड पीछे बैक की स्पेस है, इट इज लाइक ह्यूज, सो आई एम हैप्पी विद इट। आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं कितना भी, एंड यू कैन क्योंकि आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो लिटिल थिंग्स यू कैन स्टोर इन दैट। ये तो थी पॉजिटिव की बात। कुछ नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है, नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो negative part is, yes, I'm one thing which is lacking here, the armrest. Yeah, sometimes because hatchback hai, highways hai, cruise mode hai, everything is there, but jo armrest hota hai, that is lacking. And jab aap baithte hain to it is like ki aap kafi niche hain. Agar isme ek height ka hota, jo ki top model mein aapke paas option mein isme nahi hai, height adjustment nahi hai isme. Wo ek ye do feature hain jo mere ko missing lagte hain. और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड, वेरी ग्रेट, मतलब मेरे को फील नहीं होता कभी, मेरे को इतना देखना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर हाइट है या स्पीड ब्रेकर थोड़ा ऊंचा है, तो मेरे को ऐसे मतलब थोड़ा इंक्लाइन करके मेरे को निकालने, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ट्रिप आपने जो किया हो इससे कोई लंबा, जैसे 200-300 किलोमीटर वाला? राइट, मैं आगरा गया हूँ, इससे दो बार जा चुका हूँ एंड इट वाज ग्रेट। चलो ठीक है, ये तो थे विशाल जी, जिन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया ओनरशिप का। कुछ फीचर्स जो इन्होंने हालांकि मुझे पहले बता दिया था, बट एज एन ऑडियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो एड ऑन करूँगा फीचर्स में। देखिए, इसमें जो पर्सनल लेवल पे मुझे जो पसंद आई चीज़ वो था इसका भाई स्पेस। स्पेस के मामले में, अब ये हैचबैक है, हैचबैक होते हुए भी इसमें तीन बंदे बहुत आराम से बैठ जाते हैं। मेरी हाइट है 5'9", 5'9" के हिसाब से मैंने जो ड्राइविंग सीट थी अपने मतलब अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट की हुई थी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आराम से बैठ गया इसमें। हाँ, छोटे मोटे निगल्स होते हैं वो ठीक है, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ और फीचर ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे इसमें सेंसर है, आपको सेंसर मिल जाएंगे, फिर उसके साथ उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, हरमन का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं आपको, यानी इको मोड, और आपको मिल जाएगा एक सिटी मोड मिल जाता है। प्लस आप ये इसका इंटीरियर देखो, इंटीरियर बहुत अमेजिंग है, जो मतलब बहुत प्लस लगता है। यहाँ पे आपको फीचर्स के हिसाब से यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, ये USB चार्जिंग मिल जाएंगी आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, ऑल्ट्रोस की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, एक चार्जिंग पॉकेट यहाँ मिल जाता है, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे विशाल जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ग्लव बॉक्स कितना डीप है, एक छोटे से बच्चे को आराम से सुला सकते हो इसमें, मजाक कर रहा हूँ, और ये कूल ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, और डैशबोर्ड मुझे इसका बहुत पसंद आया, डैशबोर्ड मुझे पसंद आया, और इसकी की दिखती है कुछ ऐसी, लॉक अनलॉक बूट रिलीज, और ये आपको फाइंड मी कार का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो भाई ये तो सब, और यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपको, मूड लाइटिंग, हाँ, और इसमें मूड लाइटिंग भी बता रहे हैं मुझे अभी। तो भाई ये थे विशाल जी, जिन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया टाटा ऑल्ट्रोज़ का।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।